मुझे खुद फख्र होता है इस बात का कि मैं विस्लिंग वुड्स का हिस्सा हूं। जब से विस्लिंग वुड्स की शुरुआत हुई और जो कुछ मैंने यहां पाया है वो मैंने खुद ट्रेनिंग लेके कभी नहीं पा सका, बच्चों के साथ काम करके। और फख्र की बात है कि आज़ादी के 75 महोत्सव पर हम सब मिल रहे हैं, हम सब अपने देश प्रेम की, देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, जो कि हमारे अपने दिल में रखनी ज़रूरी है, भले हम अपने मुंह से वो बोलें या ना बोलें, लेकिन ये मुल्क हमारा है और हम ही अगर इससे प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक ये माँ है हमारी और माँ 75 साल की हो गई है, तो माँ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ। यूथ के मैं दिल्ली के NSD में भी, पूना के FTI में भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता रहा हूँ। पढ़ाना लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है, मैं उनके साथ वक्त गुजारता हूँ, उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र के कुछ साल घट गए हैं। ओके, थैंक यू। ओके, सिनेमा जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसे मौके पर, कर्मा की बातें की है, जो वी आर टॉकिंग अबाउट 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। सुभाष जी ने एकदम सही पिक्चर उस वक्त बनाए और उसमें हम लोगों को मौका मिला काम करने का। मैं यही कहूँगा कि बस बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, जय हिंद। यूथ के साथ में आपने इंटरेक्ट किया यूथ को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वही चेहरा है जब मैं आया था हीरो बनने के लिए या जो भी मैं बना था। सबके इतना खूबसूरत चेहरा है, सब देख रहे हैं एक फ्यूचर को, और इस स्कूल में आकर जो सीखने मिलता है वो मेरे को लगता है अपने सारे बच्चे लोग चमकेंगे बाहर जाके, और मैं चाहता हूँ कि सब मुझे कास्ट करे। हाँ यार, ऑल माई लव टू यू। शूटिंग का पहला दिन है आज, मैं यही कहूँगा कि बाबा खुश रहो, अपनी देश की इज्जत करो, अपने परिवार की इज्जत करो, झाड़ पान लगाओ, प्यार मोहब्बत से रहो, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला है। आया कब जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा, समझा। तो उसमें इतना शाना बनने की किसको कोई जरूरत नहीं, बड़ू प्यार बांटते चलो। हेलो, मुझे लगता है कि आज का मौका हमें एक रीयूनियन किस्म का लगा, क्योंकि कर्मा की टीम के साथ बहुत सालों के बाद हम लोग सब इकट्ठे हुए, एंड आई थिंक द नॉस्टैल्जिया और जो यादें आती हैं इतने साल के बाद, आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल ओकेजन, एंड विस्लिंग वुड हैज़ रियली मेड यंग स्टूडेंट्स गिव द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़। उनको ट्रेन किया जाता है, जैसे मैं कह रही थी वहाँ पर कि हम बिल्कुल रॉ आए थे। यहाँ पे बच्चों को बहुत हुनर सीखने का मौका मिलता है और बेस्ट टीचर्स से हुनर सीखने का मौका मिलता है, एंड टुडे बीइंग आज़ादी का महोत्सव, आई थिंक कर्मा वाज अ फिल्म व्हिच हैड द फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म, और उस टाइम पे मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी हिट थी। इतनी बड़ी स्टारकास्ट की फिल्म मुझे लगता है पहले नहीं बनी थी, हर इंसान का फैबुलस रोल था उसमें। So I was lucky to be working in Karma and had a fabulous musical success with Subhash ji, and I'm really feeling so happy to be here today. Thank you. जो यूथ है इस कॉलेज के माहौल में, विस्लिंग वुड्स के माहौल में, मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए उनको, क्योंकि उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है विद द बेस्ट ऑफ टीचर्स, और दे आर सो एंथुजियास्टिक, दे आर सो फोकस्ड, और ये जो फोकस, हार्डवर्क और एंथुजियाज्म है वही एक बेस है एक सक्सेसफुल करियर के लिए। एंड आजकल ये बच्चे बिल्कुल दिखाते हैं कि उनको हार्डवर्क करने में ज़रा भी झिझक नहीं है, और फुल फोकस के साथ जब आप में लाइफ में क्लैरिटी होती है आप क्या करना चाहते हैं उस रास्ते पे चलते हैं और फुल उस पे मेहनत करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। विश ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द यूथ बेस्ट ऑफ लक इन वट एवर दे डू विद ऑल द एंथुजियाज्म। थैंक यू। आज़ादी के पचहत्तरवें साल इस अमृत महोत्सव में हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि विस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट्स, फैकल्टी और हम सब लोग इस महोत्सव पे हम सेलिब्रेट सिनेमा मना रहे हैं, जिसका थीम रखा हमने पेट्रोटिज्म इन सिनेमा।
यानी हमारी भारतीय फिल्में जितनी भी बनी हैं पेट्रियोटिक, जो 75 टॉप फिल्में पेट्रियोटिक बनी हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस हैं, उनकी स्क्रीनिंग है, मास्टर क्लासेस हैं, गाने हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इन 3 दिनों के फेस्टिवल में। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि बाहर के बच्चों के लिए भी ये ओपन है, जिसमें हम लोगों ने 50 से भी ज़्यादा मास्टर क्लासेस रखी हैं, टेक्नोलॉजी हो, आर्ट हो, मैनेजमेंट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सबके क्लासेस हैं। और मैं सब बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर आएँ, ये मौका 3 दिन का जो विश्व गुरु ने दिया है, यहाँ से आएंगे तो आप कुछ सीख के ही जाएंगे। और हम खुश नसीब समझते हैं कि हम आपकी सेवा इस तरह से कर सकते हैं सेलिब्रेट सिनेमा मना के। धन्यवाद। हर साल यहाँ पर सेलिब्रिटीज, हम हर साल कोविड की वजह से ये रुक गया था, लेकिन नाउ अगेन स्टार्ट हो गया है। क्या फील करते हैं बच्चों को, टिप्स देते हैं, उनसे बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं? और भी अभी आपने देखा होगा कि आज कर्मा का जो ओपनिंग फिल्म चली और उसके बारे में पैनल डिस्कशन हुई, नसीर साहब थे, जैकी थे, पूनम जी थे, मैं था, और हमारे सब स्टूडेंट्स ने सुना कि पेट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है वो हमारी सबसे हाईएस्ट फीलिंग रहती है अपने देश के लिए। और देश के प्रति अगर आपका प्यार है तो अपनी फिल्मों के द्वारा, जो भी आप काम करते हैं उसके द्वारा आप प्रकट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, बच्चों को प्रेरित कीजिए देश भावना के लिए, देश प्रेम के लिए। एंड वी आर लकी दैट आई एम ए फिल्म मेकर वेर आई कैन राइट स्टोरीज फॉर द पीपल टू इंस्पायर दैम फॉर द पेट्रियोटिज्म फॉर द नेशन, अपने भारत के लिए प्रेम जगाने में थोड़ी मात्रा में, छोटे कंट्रीब्यूशन में कर सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।